वीडियो तो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं, मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। आज हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल, और ये हम चटनी और रोल फ्राई करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ये मैंने रेडीमेड पट्टी ली है स्प्रिंग रोल के लिए, और मैं आपको ये इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी, और इसके हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे। और एक आलू मैंने लिया, उसको ब्रिक ब्रिक काट लिया, और इसमें मैंने ऑयल थोड़ा सा डाल के इसको फ्राई करूंगी। आलू को मैंने ऐसे किया जैसे हम प्याज ब्रिक ब्रिक काटते हैं अंडों के लिए, वैसे मैंने चॉप किया एक आलू को। एक अदद आपने बड़ा आलू लेना और इसको इस तरह चॉप करना है, और इसको हल्का सा फ्राई करना है ताकि ये आलू कच्चे ना रहें, इन्हें कच्चा पन ना रहे। तो ये अब मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, और इसमें मैं अब डालूँगी मसाले। ये मैंने डाला जीरा हाफ टेबल स्पून, और ये डाला मैंने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड किया, और अब इसको मिक्स किया। हमने इन आलुओं को 2 से 4 मिनट ही फ्राई करना है, तो ये उसमें गल जाएंगे। इसमें नमक और जीरा डाल, अब मैं इसमें मज़ीद और मसाले डालूंगी और थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि ये थोड़े से गल जाए, ताकि इनमें कच्चापन ना रहे। इसको ढांप के हमने 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया, जब तक पानी खुशक नहीं हो जाता। अब ये देखें आलू आपने चेक कर लेने हैं, बिल्कुल गल गए हैं सही। और इसमें हमने वेजिटेबल डाल रहे हैं, ये मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें काटी हैं इसमें, और साथ मैंने ये मैंने इसमें जो है कैबेज डाली है, और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें काट के डाली थी, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, ये मैं सूखा धनिया थोड़ा सा कूट के डाला है इसमें, साबुत सूखे धनिया को, और ये मैंने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है, ये मैंने इसमें हल्दी डाली है हाफ टेबल स्पून, और ये हाफ टेबल स्पून मैंने गरम मसाले का डाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सुरख पीसी हुई मिर्च डाली है, और इसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ सब चीज़ों को। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कीमा। कीमा जैसे कि मैंने आपको खड़े मसाले का कीमा जो है वो आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, तो वो मैंने बना के रखा हुआ था फ्रिज में। अब मैं इसमें थोड़ा सा वो कीमा डालूंगी, उसमें हमने सारे मसाले डाले हुए थे, टमाटर चीज़ें आप वहाँ देख सकते हैं, और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और जैसे ही मिक्स होगा हम इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे।
मसाले को थोड़ी देर बाद रख के, तो अब ठंडा हो गया, तो अब ये हम रोल बना रहे हैं। रोल के लिए देखें, पहले मैंने एक तरफ थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा ऑयल और एक चम्मच मैदा लेके उसको एक मिनट आप चूल्हे पे भी पका सकते हैं, वैसे भी मिक्स कर सकते हैं। तो वो आपने लगा के इसको इस तरह आपने रोल बनाना। रोल बनाए, समोसों में डालें, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसके समोसे शेयर कर चुकी हूँ, आपसे रोल शेयर कर रही हूँ आपको। ये फिर हमने इस तरह करना है, आपने साइडों पे इस पे आपने लगाया, इसको इस तरह किया, एक पट्टी को, दूसरी पट्टी को इस तरह किया, इसके ऊपर रख के फिर आपने हाथ की वजह से इसको कवर करना है और तय करके रोल बना के आपने साइड की पट्टी को इस तरह लगाई। और फिर ये आपने ये देखे कितना, और ये खुलेगा भी नहीं, ज़बरदस्त पैकिंग है इसकी कि बिल्कुल खुलेगी नहीं फ्राई करते वक्त। आप ऐसे बना के इसको फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में रखें, या ऐसे मसाले को भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें आलू डाले हैं तो आलू फ्रीज़ करते वक्त सही नहीं रहते, आलूओं को फ्रीज़ नहीं किया जा सकता। तो आप इसको आम फ्रिज में 3 से 4 दिन रख सकते हैं। ये सारे रोल कंप्लीट हो गए हैं और हमने इसको बना लिया। ये थोड़ा सा मैदा जो मैंने डाला है इसलिए कि एक दूसरे के साथ ना चिपके, हल्का सा मैंने ऊपर मैदा लगाया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल को आपने पहले थोड़ा सा गर्म कर लेना है, मैंने कढ़ाई रखती हुई है ऑयल गर्म करने के लिए, और ये मैं इसमें रोल डाली और बिल्कुल हल्की आँच पर आपने करना है, फिर उनका प्यारा सा कलर आएगा। और अब इसको हम रोल को फ्राई कर रहे हैं। आप मेरी रेसिपी को देखें और ट्राई करें घर में, और फिर कमेंट में लिखें कि आपको कैसे लगे आपने ये बनाए। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ और भी रमज़ान की अच्छी अच्छी डिश देख के आएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स में लिखें कि क्या कैसे आपको लगे। ये बन रहे हैं, कितना प्यारा कलर निकल रहा है। और रोज़ा है तो उसके मसाले का है, मसाला आप देख के मेरे अंदाजे से ही है और बिल्कुल ठीक है। और इसको अब हमने निकाला और डिश ऑफ कर रहे हैं। और हमने जो आपके साथ चटनी शेयर की थी वो भी, और आप इसको आलू बुखारे इमली की चटनी, धनिया की चटनी, दही के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने रोल सारे नहीं, कुछ हमने रख दिए हैं फ्रिज में, कुछ को हमने फ्राई कर लिया। ये हमने रोल इस तरह सर्व किए हैं चटनी के साथ ली की। आप इसको ट्राई करें और इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।